कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम आयोजित होने के बाद संबोधन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने और इस दौरान प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं है और मोदी जी तो भगवान को भी समझा सकते हैं। बड़ा बयान है राहुल गांधी जी की ओर से। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन की विदेश यात्रा पर मंगलवार को अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं। सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीयों से मुलाकात की और कहा कि कुछ महीने पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। राहुल ने कहा कि इस दौरान मैंने देखा कि भारत में राजनीति के जो सामान्य टूल थे, जैसे कि जनसभा और रैली, वे अब काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि भारत में अब राजनीति करना आसान नहीं रह गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। इनमें एक पीएम मोदी जी भी हैं। उन्हें लगता है कि वे हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। राहुल ने आगे कहा कि मोदी जी तो भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। वे वैज्ञानिक को विज्ञान के बारे में और इतिहासकार को इतिहास के बारे में भी समझा सकते हैं। आइए सुनते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। एंड द असॉल्ट दैट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, इट्स टेकिंग प्लेस ऑन आवर वे ऑफ लाइफ। सैम पिट्रोडा जी सेड दैट ही ग्रू अप विद ऑल पीपल लिविंग हैप्पीली, डिफरेंट लैंग्वेजेस, different religions, and that is what is being attacked. Also, the tradition in India, and again something leaders like Guru Nanak ji, Basavanna ji, Gandhi ji emphasized, was not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And the assault that is taking place in India. और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर कुआं अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, राहुल गांधी का वापस से एक बयान है। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो सब कुछ जानते हैं, वे भगवान को भी समझा सकते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की जो ये यूएस की विजिट है, इस पर सभी की निगाहें, खासतौर से विपक्ष, इस पर पूरी चौकसी से निगाह रखी है। कारण इसका ये है कि अभी विदेश में गए तो कई बार जो बाहर के डायस्पोरा से, इंडियन डायस्पोरा से जब वो बातचीत करते हैं तो कई बार ऐसी बात कह जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं देश के अंदर फिरत कांग्रेस की हो जाती है। लेकिन हालांकि इस बार की जो विजिट है, जो 30 मई मंगलवार यानी कि इंडियन समय से के अनुसार कल से वो शुरू हो गई है और अभी राहुल तमाम लोगों से मिल रहे हैं, वहां लगभग रात के 10:30 बजे का समय है। ये सिलिकॉन वैली में 10 दिन राहुल गांधी विदेश में रहेंगे, जिसमें 6 दिन उनके कार्यक्रम है, 3 चरणों में, 3 फेज। पहला चरण सिलिकॉन वैली में 2 दिन का रहेगा, फिर वो वॉशिंगटन डीसी 2 दिन रहेंगे और 2 दिन वो रहेंगे न्यूयॉर्क। तो अब जब वो एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुलाकात कर रहे थे, फैकल्टी से मुलाकात वो अपनी कर रहे थे, ये बयान उन्होंने वहां दिया है फैकल्टी से लोगों से बात करते हुए में। तो अब चूंकि कांग्रेस की अगर हम खासतौर से बात करें, अमेरिका जीत के बाद निश्चित तौर पे IOC जो है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, वो बहुत उत्साहित है। और सैम पित्रोदा चूंकि इस कांग्रेस के और पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, वो तमाम कार्यक्रम सैम पित्रोदा ने ही उनकी राजीव गांधी के भी माने जाते हैं। माना ये भी जाता है कि जो कंप्यूटर क्रांति जिसकी बात राजीव गांधी किया करते थे देश में लाने की, और चूंकि श्रेय भी जाता है कहीं ना कहीं राजीव गांधी को कंप्यूटर देश में लाने की, उसकी नींव सैम पित्रोदा ही रखी थी। और कहीं ना कहीं पूरे इस पूरे कंप्यूटर की जगत की जो मैन्युफैक्चरिंग थी, उसका राजीव गांधी ने किया था। चूंकि पहला दिन है राहुल गांधी की विजिट का, वहां
दो दिन सिलिकॉन वैली में रहेंगे, आज शाम की अगर इंडियन समय के हिसाब से जब वो लोगों से बात कर रहे होंगे तो उसके पॉलिटिशियन है, कुछ थिंक टैंक है जिसमें वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बात करें के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कल की अगर भारत जोड़ो यात्रा के का ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से किया गया, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के क्या क्या प्रभाव रहे इस पर चर्चा की जाएगी, स्टूडेंट से की जाएगी, फैकल्टी से की जाएगी और वहां के जो थिंक टैंक्स है उनके साथ की जाएगी, तमाम लोगों को इसमें आमंत्रण दिया गया है। जी सरनेम को लेकर काफी विवाद छड़ा और उनकी सांसदी भी छीन ले गई, लेकिन क्या लगता है वापस से जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर एक बयान दिया है, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है राहुल गांधी की या फिर विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी साफ तौर पर क्या कुछ कहेगा इस पूरे बयान पर? जैसे ही राहुल गांधी ने बयान से बात की, उनका कहना था कि राहुल गांधी का जो आगाम जो इसके बाद जो कार्यक्रम बाद ही इस पर टिप्पणी की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देती हुई नजर आए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी के जो जिक्र आपने किया कि उनकी सांसद से गई उसका हमें यूएस में भी देखने को मिला, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट भी था, एक आम पासपोर्ट था जिसके कारण उनको लग गए सिक्योरिटी चेक और एयरपोर्ट खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ा अपने सांसद सदस्यता जाने का। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जैसे आपने जिक्र किया तो उसमें सीधे तौर पर ये हमारे जब हमारी बात हुई उन तमाम प्रवक्ताओं से, उनका ये कहना था कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी राहुल गांधी के इस टूर को लेकर, क्योंकि 10 दिन का यूएस प्रवास है जिसमें 6 दिन वो काम करेंगे, 2-2-2 यानी कि 3 फेज में उनकी कार्यक्रम है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कुछ इस पर कहने को तैयार नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंस इस कार्यक्रम को देने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस काफी उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर, आज भी 12:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में रखी गई है जो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ करेगी इंडियन मीडिया को। तो सबसे जो खास बात है वो ये है कि राहुल गांधी की जिस कार्यक्रम में जिस तरीके से एक तमाम जो इंडियन डायस्पोरा है उसके तमाम विभिन्न अंगों को बुलाया गया है, जिसमें वहां के पॉलिटिशियन है, वहां के सीनेट के मेंबर है, जो हमारे यहाँ जिस तरह एमपी होते हैं तो वहां सीनेट के मेंबर्स होते हैं उनको बुलाया गया है, उद्योगपति घराने के लोगों को राहुल गांधी चर्चा करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा करेंगे, टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स की जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिहाज से अगर माने राहुल गांधी के जो 6 दिन वो कार्य करने वाले हैं उसको एक सफर ना हो जिसको राहुल गांधी की यात्रा छू ना पाए, तो उसमें तमाम चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, हमने देखा किस तरीके से मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा है, तो उसको लेकर भी एक चर्चा का समय रखा गया है करीब आधे घंटे का, उस गोष्ठी में थोड़ी भी चर्चा होगी। और देश में डेमोक्रेसी पर, चूंकि डेमोक्रेसी को लेकर ही पिछले राहुल गांधी का जो पिछला टूर था भारत की डेमोक्रेसी को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर ही फजीता हुआ, उसको लेकर ही संसद सत्र पूरा संसद सत्र चलने नहीं दिया, ना विपक्ष ने ना ही पक्ष ने। अब राहुल गांधी डेमोक्रेसी पर भी उनका एक लेक्चर है, डेमोक्रेसी के ऊपर भी, भारतीय डेमोक्रेसी किस तरीके से मजबूत हो, भारतीय डेमोक्रेसी दूसरे के लिए कितनी कारगर है, इन जो मुद्दे रखे गए हैं जो लिस्ट किए गए हैं उनकी मीटिंग के लिए उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अब डेमोक्रेसी के मुद्दे पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी लंबा कार्यक्रम था उनका, 6 दिन का एक कार्यक्रम है जिसमें 6 दिन के कार्यक्रम में वो बात करेंगे, बीच में 2-2 दिन इस कार्यक्रम में दिया गया है पूरे देश, तो ऐसे में क्योंकि डेमोक्रेसी को लेकर काफी फजीहत पहले ही कांग्रेस झेल चुकी है, डेमोक्रेसी को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या चर्चा होती है, वो स्टैंड रहेगा पहले जो उनका पहले स्टैंड था, क्या फिर वो अपील करेंगे यूरोपियन कंट्रीज से कि वो इंटरवीन करें, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और डेमोक्रेसी खत्म तब होगी जब हाल ही में उनकी सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, क्योंकि इस बार एक शब्द जो है वो नदारद रहा मीडिया से, और आपने भी नहीं सुना होगा कि ईवीएम से छेड़छाड़, क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में जीती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है, ये सबूत इनकी तरफ से दिए जाते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन जिस स्टेट में कांग्रेस जीत जाती है तो उस पर ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहती, चूंकि कर्नाटक का प्रचंड बहुमत हुई है, ईवीएम के बारे में राहुल गांधी निश्चित तौर पर नहीं बोलेंगे, पहले एक बार वो
ईवीएम को लेकर भी चर्चा की अपने विदेशी दौरे में। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ईवीएम से बेहतर है जिस तरीके से यूरोप और यूएस और तमाम देशों में बैलेट से वोटिंग की जाती है, तो भारत को वापस फिर बैलेट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसमें गुंजाइश कम रहती है। जो एनलिस्ट है उनकी इस 6 दिन की विदेश यात्रा में अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी किसी मुद्दे को लेकर हिट विकेट ना हो जाए। काफी सजग है इस बार कांग्रेस के जो पूरा आईओसी है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो इस पर ध्यान रखे। काफी टाइट शेड्यूल राहुल गांधी का रखा गया है जिसमें काफी महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं, जिसमें इसमें डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, जिसमें एआई को लेकर बात की जा रही है, इंडियन डायस्पोरा की बात की जाएगी, स्टूडेंट जो भारतीय मूल के जो विद्यार्थी हैं बाहर पढ़ने जाते हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर काफी जोश में कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आ रही कर्नाटक की इस जीत के बाद। और कांग्रेस की ओर से पूरी खबर कस ली गई आगामी चुनाव को लेकर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से, बता दें कि जहां हमारे साथ जुड़े थे संवाददाता। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन की विदेश यात्रा पर मंगलवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री पर साफ तौर पर तंज कसते हुए एक बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तो भगवान को भी समझा सकते हैं।